देखो बातों को दोहराने में भी पेशेंट होगा। आपने सभी बिंदु भारती जी ने और डॉक्टर हयात ने और दुष्यंत भाई ने गिरीश सूर्या में सभी बातें कही हैं, पर एक बात तो मैं कही दूं वो अलग है। नमोस्तु साहित्य रसाय तस्मै निषण्ड मंतो प्रस्तापयस्य स्वर्णताम वक्त्रमुपैति साधो विवर्णताम जाति च दुर्जनस्य। मतलब नव सप्त सहसान के रचयिता परिमल पद्मदास ने लिखा है कि मैं वो यहाँ पर भी प्रणाम करती हूँ, उस साहित्य रस को प्रणाम करती हूँ जिसके दर्शन मात्र से सज्जन लोगों के हुक खिल उठते हैं और दुर्जनों पे बोझा जाते हैं। और इसी संदर्भ में मुझे ये भी बात आई है कि भाषा के संरक्षण की बात हो रही है, तो हमारी पहली राज्यपाल, क्योंकि सिर्फ यहीं तक नहीं सिमटा है, हमारी पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू कवयित्री थी, विदुषी थी, और उन्होंने जब लिखो भारत कोकिला के नाम से जानी गई है, तो वो भी अंग्रेजी और कन्नड़ में पढ़ी हैं अपनी भाषा में। तो उन्होंने एक बार कुछ कविताएं लिख करके और सर विलियम गो से अपने गुरु को दिखाने ले गई, ये दिखाना चाहती हूँ मैं। वो पढ़े, उन्होंने कविताएं पढ़ी और चुप हो गए। फिर सरोजिनी जी ने पूछा कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं, उन्होंने कहा कैसी है मेरी कविताएं, उन्होंने कहा कूड़े की टोकरी में फेंकने लाए, क्यों इसमें जो आपने लिखा है वो मतलब मातृभाषा में नहीं है, न मातृभाषा से जुड़ा है, अंग्रेजों की तरह आपने लिख दिया है। कविता वो होती है जो मातृभाषा में अपनी भाषा में और मौलिकता से लिखी जाए, वो कविता होती है। और उसके बाद उसी दिन के बाद से वो भारतीय महान कवित्री बनी। और हमने अभी ये सब शिकायतें चुनौतियाँ तो सबने कही है, लेकिन अवधि भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, तब हिंदी भी नहीं थी, हिंदी को भी बनने में इस रूप में आने में खड़ी बोली में आने में कई सौ वर्ष लगे। तो रामचरितमानस आज सारी दुनिया में प्रसिद्ध है और उस पर रामलीलाएं खेली जाती हैं, उस पर हजारों पुस्तकें लिखी गई, क्यों कि वो मातृभाषा में लिखी हुई। तो जहां तक पहले संभावना की बात कह दूं कि हमारे रचनाकार खास करके पहलू जी इतना काम कर रहा है, पहलू कुंभड़ और भी बहुत सारे, और ये तो दुकलाल भाई ने बताई दिया है कि सम्मानित हुए हैं, अकादमी में नाम आया है उनका। तो मतलब ये है कि मातृभाषा में लिखना जरूरी है और समय आने पर उसको जरूर उसकी संभावना हम कर सकते हैं, हम सकारात्मक सोच रखें। जो चुनौतियां हैं वो तो है ही, सब बता चुके हैं, नहीं बोलूंगे, लेकिन सकारात्मक सोच रखेंगे और प्रयास करते रहेंगे। पहलू कितना आगे बढ़ गया, कितना काम कर चुका है, और हमारे सबसे पहले वो हमारी संस्कृति, थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि संस्कृति को जानने वाले, जिंदा रखने वाले और जीवादी जागरी कहाँ है। सन 98 में जिसके भारती ने नाम लिया है, उस समय यहाँ पर जाथुदास नारायण दास आए थे, जिनको की मौखिक क्या था, मौखिक प्रस्तुति महाभारत की दी उन्होंने, वो कहाँ है। और उत्तम दास जी सब तालों के जानने वाले, राष्ट्र ताल के जानने वाले, वो कहाँ है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति कैसे रहेगी, भाषा कैसे रहेगी। अभी कुछ वर्ष पूर्व टाउन हॉल में एक कार्यक्रम हुआ था नरेंद्र सिंह नेगी के, उसमें शिक्षक सोहनलाल जी थे, पूरा ग्रुप का ऑर्केस्ट्रा सम्मिलित हुआ थे, तो उसमें इतने जानकार लोग थे और इतना बढ़िया हुआ था वो, तो वो फिर आगे कहाँ है उसको लोगों तक, मतलब वो कहाँ पहुँचा है। और एक कार्यक्रम अभी डॉक्टर पुरोहित ने किया था कुछ समय पहले, वो बुजुर्ग उनको लाए थे, नाम याद नहीं आ रहा है, तो सब कुछ उन्होंने बताया था। मतलब हमारे जो अनपढ़ कहें या कुछ भी कहें, उन जो वाद्य संगीत को जानते हैं उनके पास बहुत काम है, बहुत मतलब उन्होंने काम किया है, लेकिन उसका उसका मतलब संरक्षण कहाँ हो पाया। सन 2004 में उत्तराखंड साहित्य संस्कृति कला परिषद बना था, वो 3 साल चला, उसमें कितना काम हुआ नहीं मालूम, कितना हो नहीं पाया, बल्कि मैंने ये भी सुना उसके जो तत्कालीन निदेशक की कविता को तो खत्म कर रहे हैं, कविता की साहित्य की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे वो गायब हो गया। उसके बाद उत्तराखंड
ये भाषा शोध संस्थान बना और मैं प्रशंसा करूंगी उस कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। डॉक्टर सरिता मोहन निदेशक थी उस समय, बराबर बैठकें बुलाई जाती थी भाषा को लेकर के और कार्यक्रम होते थे। उन्होंने गढ़वाली कुमाऊनी जो भी जितने हमारे रचनाकार हैं अलग अलग स्तरों पर उनको सम्मानित किया, तो वो जल्दी नहीं काम। और उद्गाता जिसकी भारती जी ने बात करी, उद्गाता पत्रिका भी प्रकाशित होती रही बराबर, उनका भी नाम लिया था। वो जब मल्होत्रा जी की बात कर रहे थे लिपि की, वो अचानक बीच में कहाँ से उपज गए कार्य, हमारे राज्यपाल महोदय से सम्मानित भी हो गए, वो झूठे झूठ बाहर ही बाहर